हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल इंडियन टेक्निकल इंस्टीट्यूट पे। प्यारे साथियों, आज हम बात करेंगे 6 अक्टूबर के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर की। प्यारे साथियों, आज हमको जो है लगभग 2 से लेके 3 दिन हो चुके हैं हमने जो है करंट अफेयर अपलोड नहीं किया है। दोस्तों, उसका जो रीज़न है वो है हमारी कुछ प्रॉब्लम के कारण जो है हम आपको जो है करंट डेली का जो करंट अफेयर प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं। दोस्तों, आज से हम जो आपके लिए रेडी हैं, आपके लिए हर रोज जो है हम अपलोड करते जाएंगे करंट अफेयर की। और दोस्तों, आपका काम है पढ़ना। आपका क्या काम है दोस्तों? पढ़ना। आपको डेली करंट अफेयर पढ़ना है, उसके बाद उसके नोट्स बनाने हैं, उसके बाद राइट 6 बजे आपको आके हमारे टेलीग्राम जो है ग्रुप में जाके वहाँ पे आपको क्या करना है, क्विज जो है लगानी है। दोस्तों, क्विज लगाना मत भूलिएगा। दोस्तों, आपको वहीं का जो वहीं आपको जितना भी आपने याद किया है उस क्विज के अनुसार आपको पता लग जाएगा मेरे को कितना याद है और मैं कितना पानी में हूँ। दोस्तों, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 करने से पहले। दोस्तों, अभी तक आपने जो हमारा है ग्रुप टेलीग्राम जो ग्रुप है इंडियन टेक्निकल इंस्टीट्यूट, अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया जो दोस्तों, जाके जरूर कीजिए। आपको ओनली क्या करना है, सर्च करना है वहाँ पे इंडियन टेक्निकल इंस्टीट्यूट। क्या करो दोस्तों, क्या करना है, इंडियन टेक्निकल इंस्टीट्यूट सर्च करोगे तो आपको वहाँ पे क्या आ जाएगा, एक हमारा लोगो प्लस आपको यहीं पे आपका जो नाम है, हमारा जो ग्रुप का जो नाम है इंडियन टेक्निकल इंस्टीट्यूट, वो आपको नज़र आ जाएगा। और नीचे नीचे आप जाओगे तो वहाँ पे ज्वाइन का ऑप्शन आ जाएगा। दोस्तों, उसको ज्वाइन के बटन को दबा दीजिए और उसके बाद आप हर रोज 6 बजे रेडी रहिए दोस्तों। और 5 बजे आपको जो है हमारे करंट अफेयर की जो PDF है उस ग्रुप के अंदर हम प्रोवाइड करवा देंगे। दोस्तों, कोई भी आपको दिक्कत वाली बात नहीं है दोस्तों, 2-4 मिनट ऊपर नीचे हो सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दोस्तों, बात करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए क्वेश्चन नंबर 1 की। प्यारे साथियों, आज का जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है वो है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया गया? दोस्तों, दोबारा से फिर रिपीट करूंगा क्वेश्चन को, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया गया? दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है 2 अक्टूबर। 2 अक्टूबर को जो है अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया गया। दोस्तों, बात करते हैं एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट पॉइंट की और स्टैटिक पॉइंट की। दोस्तों, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के स्टैटिक पॉइंट और एग्जाम की दृष्टि से जो आने वाले जो है उसकी बात करते हैं पहले। दोस्तों, बात करते हैं कुछ अलग से हटके महात्मा गांधी द्वारा जो लिखी गई पुस्तकें, एग्जाम की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आपको बढ़िया तरीके से अपने कॉपी के अंदर इसको नोट डाउन करना है और बार बार आपको इसको रिपीट करना है, ताकि आपको जो हमारे महात्मा गांधी जी उनके द्वारा लिखी गई जो सारी सारी बुकें आपको बढ़िया तरीके से याद रहें। दोस्तों, एग्जाम पूछा जा सकता है। दोस्तों, कैसे पूछ सकता है कि इनमें से कौन सी बुक है जो महात्मा गांधी जी ने लिखी है, ये पूछ सकता है, या पूछ सकता है कि ये वाली जो बुक है, जब मान सकते हैं द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ द मॉरल बेसिस ऑफ वेजिटेरियंस पीस, ये जो बुक्स के जो है नाम दे सकता है और उसके बाद अपने को जो है पूछ सकता है। प्यारे साथियों, ये बुक्स के जो नाम है आपको बता देता हूँ मैं, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट। दोस्तों, आगे बात करते हैं विथ ट्रूथ द मॉरल बेसिस ऑफ वेजिटेरियंस पीस, ओके, और द वर्ड्स एस्पिरेशन ऑफ महात्मा गांधी, कौन से दोस्तों, द वर्ड्स एंड एस्पिरेशन ऑफ महात्मा गांधी। दोस्तों, एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। दोस्तों, कुछ आपको मिस्टेक नज़र आ सकती है तो आपको ध्यान, मिस्टेक मतलब मेरे बोलने में मिस्टेक आ सकती है, टाइपिंग में कोई मिस्टेक नहीं है। दोस्तों, कुछ नाम अटपटा है दोस्तों। तो दोस्तों, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। आज का जो हमारा तो क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन मतलब क्या दोस्तों, बुजुर्ग दिवस कब मनाया गया? दोबारा से फिर रिपीट करता हूँ क्वेश्चन को। दोस्तों, एनर्जी थोड़ी सी डाउन है क्योंकि तबीयत कुछ नाजुक चल रही है दोस्तों, तो कुछ नहीं हो सकता, कुछ आप जो है अपनी और मेरी आवाज़ को कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए। दोस्तों, बात करते हैं दोबारा से फिर क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 2 को, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस कब मनाया गया? दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है 1 अक्टूबर। 1 अक्टूबर को जो है वृद्धजन जो है दिवस के रूप में मनाया गया। दोस्तों, इसका उद्देश्य क्या है, इसके बारे में बात कर रहे हैं अपन। दोस्तों, इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों, एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। एग्जाम की दृष्टि से स्टैटिक पॉइंट की बात करते हैं।
इंग्लिश के अंदर इसको बोल सकते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन, इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वृद्ध व्यक्तियों का दिवस हर साल एक अक्टूबर को जो है मनाया जाता है। वर्ष 2020 में, 2020 संयुक्त राष्ट्र की 75वीं 75वीं वर्षगांठ और वृद्ध व्यक्ति के अंतर्राष्ट्रीय दिवस की 30वीं वर्षगांठ का प्रतीक है। प्यारे दोस्तों, इसके अंदर इसका उद्देश्य क्या है, क्यों मनाया जाता है ये दोस्तों, इसका उद्देश्य क्या है? वृद्ध व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस उन महत्वपूर्ण योगदानों को उजागर करने का अवसर है जो वृद्ध लोग समाज के लिए योगदान देते हैं, और आज की दुनिया में उम्र बढ़ने के अवसरों पर और चुनौतियों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए जो इसका जो है ये जो दिवस है ये बनाया जाता है, मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। आज का जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है वो है, हाल ही में भारत ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर कितने समय और कितने समय के लिए और प्रतिबंध लगाया? दोस्तों, उसका जो राइट आंसर है वो है ए, 31 अक्टूबर। 31 जो अक्टूबर जो है हमारा है अंतर्राष्ट्रीय जो उड़ाने यानी कि हवाई जहाज वगैरह जो है 31 अक्टूबर तक जो है उड़ नहीं पाएंगे, इनको सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया गया है, 31 अक्टूबर तक इनको बढ़ा दिया गया है। दोस्तों, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। हाल ही में विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया गया? दोस्तों, उसका जो राइट आंसर है वो है बी, 5 अक्टूबर। 5 अक्टूबर को जो है विश्व जो है शिक्षक दिवस के रूप में मनाया गया, जिसका उद्देश्य क्या है इसके बारे में बात करें दोस्तों, घबराना नहीं है, हर हर क्वेश्चन के पीछे आपको कुछ ना कुछ जो है आपको पढ़ने के लिए और समझने के लिए कुछ ना कुछ आपको मिलने वाला है। दोस्तों, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को दोबारा से, फिर रिपीट करूँ क्वेश्चन को। हाल ही में विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया गया? 5 अक्टूबर को मनाया गया। दोस्तों, बात करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 5 के। क्वेश्चन नंबर 5 करने से पहले बात करें क्वेश्चन नंबर 4 के स्टैटिक पॉइंट की। वर्ष 1994 के बाद से प्रत्येक वर्ष 5 अक्टूबर को विश्व स्तर पर जो है विश्व शिक्षक दिवस है जो दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन दुनिया भर में शिक्षक पेशे उपलब्धियों को चिन्हित करने और शिक्षकों की आवाज़ पर ध्यान आकर्षित करने का अवसर प्रदान करेगा, और जो निरंतर सम को शिक्षा के वैश्विक लक्ष्य की प्राप्ति के प्रयासों में लगे हुए हैं। दोस्तों, बात करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 5 की। आज का जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया गया? दोस्तों, दोबारा से फिर ये क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों, इसको छोड़िएगा दोस्तों। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। आज हमारा जो क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों वो है क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में भारतीय डेवलपर हेतु मिनी ऐप स्टोर कौन खोलेगा? दोबारा से फिर रिपीट करता हूँ क्वेश्चन को। हाल ही में भारतीय डेवलपर हेतु मिनी ऐप स्टोर कौन खोलेगा? दोस्तों, उसका जो राइट आंसर है वो है ए, पेटीएम। पेटीएम जो है अपने सब भारतीय जो डेवलपर हैं उनके लिए एक अलग से एक साइट माना मान सकते हैं कि ये साइट जो है बनाएगा, या हम बोल सकते हैं ऐप बनाएगा। उसके अंदर क्या होगा कि आ, आ, जो ग्राहक इनके होंगे उनको बिना बिना ऐप डाउनलोड किए जो है एक इसकी जो साइट के अंदर मजा ले सकते हैं ऐप का। दोस्तों, इसके अंदर सभी ऐप जो है इकट्ठा मिलेंगे आपको, और आपको जैसे आपको जो है आराम से जो आपको पेटीएम चलाना है तो पेटीएम ओपन कर सकते हो, आप गूगल चलाना है तो गूगल ओपन कर सकते हो, सॉरी गूगल नहीं कर सकते हैं आप, जैसे हमारे को स्विगी वगैरह जो भी अलग से जो इनको जो जो टाइप किया गया इन साइटों के द्वारा वो आपको मिल जाएंगी। दोस्तों, किसी ने दोबारा से फिर रिपीट करता क्वेश्चन को। हाल ही में भारतीय डेवलपर है तो मिनी ऐप स्टोर कौन खोलेगा? दोस्तों, जो राइट आंसर है वो है पेटीएम। पेटीएम जो है मिनी ऐप स्टोर खोलेगा किसके लिए? भारतीय डेवलपर है तो के लिए। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो है, MoSPI ने भारत का कितनेवां पेन टाइम यूज सर्वे शुरू किया? दोबारा से फिर रिपीट करूंगा क्वेश्चन को, थोड़ा सा आपको है समझ में थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है आपको, जब स्टैटिक पॉइंट में आपको बताऊंगा आपको कोई भी घबराने वाली और कोई भी दिक्कत वाली बात आपको मेरे हिसाब से नहीं आना चाहिए। दोस्तों, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की, दोबारा से फिर रिपीट करूंगा। MoSPI ने भारत, MoSPI मतलब क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टेटिक्स एंड प्रोग्राम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। दोबारा से फिर रिपीट करूँगा क्वेश्चन को और इसकी फुल फॉर्म को, MoSPI की जो फुल फॉर्म हो गया है मिनिस्ट्री ऑफ स्टेटिक्स एंड प्रोग्राम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।
भारत का कितने वहां जो पैन इंडिया टाइम यूज सर्वे शुरू किया है दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है पहला। जो पहला जो है भारत का जो कितने भारत का पहला जो पैन इंडिया टाइम यूज सर्वे जो है शुरू किया गया है दोस्तों। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की दोस्तों। आज का जो हमारा अंतिम क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर जो 8 है हमारा वो है, हाल ही में किस राज्य ने ऑनलाइन पेंशन सब मिशन एम ट्रैकिंग और ट्रैकिंग हेतु करतगा पोर्टल लॉन्च किया। दोबारा से फिर रिपीट करूँगा क्वेश्चन को, हाल ही में किस राज्य ने ऑनलाइन पेंशन सब मिशन एम ट्रैकिंग हेतु करतगा पोर्टल लॉन्च किया दोस्तों। इसका जो राइट आंसर है वो है ए, असम सरकार ने जो है ऑनलाइन पेंशन और सब मिशन एम ट्रैकिंग हेतु जो पोर्टल लॉन्च किया है दोस्तों। इसका जो है उद्देश्य क्या है, इसका क्या क्या लाभ होने वाले हैं दोस्तों, इसका उद्देश्य क्या है कि असम के जो सीएम, दोबारा से फिर इसको बताऊंगा, असम के जो सीएम कौन है तो कौन है दोस्तों, सर्बानंद सोनोवाल दोस्तों, कौन है, सर्बानंद सोनोवाल ने ऑनलाइन पेंशन सब मिशन और ट्रैकिंग प्रणाली हेतु कृतज्ञता नामक एक पोर्टल जो लॉन्च किया है। यह पेंशन भोगियों के उनके पेंशन संबंधित दावों को निपटाने से सहायता जो है करेगा। इसके इसके तहत और अलग से क्या होने वाला है, सेवन जो पेंशन जो सेव करने वाले हैं सरकारी कर्मचारी पेंशन में संबंधित कागजात ऑनलाइन जमा करा सकते हैं, अपनी पेंशन की स्थिति कर सक पता पेंशन की स्थिति का पता कर सकते हैं। यह सरकार ने जो भविष्य पोर्टल की तर्ज पर बनाया गया है दोस्तों। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार। और दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट बॉक्स में जाके जरूर लिखिएगा दोस्तों। आज की वीडियो आपको बढ़िया लगी तो जरूर आपको जो है कमेंट बॉक्स में जाके फीडबैक दीजिएगा दोस्तों, ताकि हम आगे से आगे जो आपके लिए बढ़िया से बढ़िया और बेहतरीन से बेहतरीन आपको जो है वीडियो प्रोवाइड कर सकें। प्यारे दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी फिर आपको बताऊंगा, प्लीज कमेंट बॉक्स में जाके जरूर बताइएगा दोस्तों। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद, जय।